आप भी आने वाले समय में बहुत सारा मोटा पैसा छापना चाहते हो। हाँ जी दोस्तों, मैं आपके लिए एक ऐसा स्टॉक लेके आया हूँ जो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा आपको मोटा पैसा बना के देगा। आप लोग देख सकते हो, जो 6 महीने के अंदर रिटर्न प्रोवाइड किया है वो 14% का रिटर्न प्रोवाइड किया, ऑलमोस्ट 15 मान सकते हो। बट इसमें जो मेन बात है कि ये स्टॉक अभी आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है। कितने? 6% के डिस्काउंट पे मिल रहा है। ये बार बार मौका नहीं आएगा इसमें इन्वेस्ट करने का, तो 6% के डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो इसमें ज़रूर आप बाय करें, क्योंकि ये स्टॉक फंडामेंटली बहुत ज़्यादा करेक्ट है एंड इसका सेल्स ग्रोथ भी अच्छा है एंड प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा है। तो आप लोग देख सकते हो कि 1 साल के अंदर जो रिटर्न प्रोवाइड किया है वो 22% का रिटर्न प्रोवाइड किया है, इधर आप लोग देख सकते हो। एंड 5 साल के अंदर जो रिटर्न प्रोवाइड किया है वो 179% का, सॉरी 179% का रिटर्न प्रोवाइड किया है। तो आप लोग देख सकते हो, अब मैं मैक्सिमम का बात करूँ तो मैक्सिमम में 28,637% का मैसिव रिटर्न प्रोवाइड किया है। जब भी ये स्टॉक आपको डिस्काउंट में मिले तो इसमें ज़रूर आपको बाय करना चाहिए। एंड मैं इसमें प्रमोटर होल्डिंग का बात करूँ तो प्रमोटर होल्डिंग 0 है एंड म्यूचुअल फंड होल्डिंग देख सकते हो 29% है एंड जो फॉरेन कंट्री के बंदे हैं वो 45% इसमें इन्वेस्ट कर रखे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि म्यूचुअल फंड एंड फॉरेन कंट्री के बंदे मिलाकर इसमें कम से कम कितना 75% अपना ही पैसा ही लगा रखे हैं और 25% केवल इसमें रिटेल पैसा लगा रखे हैं, रिटेल एंड अदर लोग पैसा लगा रखे हैं। एंड मैं इसमें बात करूँ जो कंपनी का नाम है, तो आप लोग देख सकते हो कंपनी का जो नाम है इधर लिखा हुआ है ICICI बैंक। तो आप इसे गूगल पे टाइप करके फर्दर रिसर्च करके आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। बट उससे पहले आप लोग देख सकते हो जो कंपनी का मार्केट कैप है, इधर आप लोग देख सकते हो 825,452 करोड़ रुपया है एंड 3 साल के अंदर जो रिटर्न मिला है कंपनी को आप लोग देख सकते हो 21% का एंड 5 साल के अंदर जो सेल्स मिला सॉरी 17% का एंड 3 साल के अंदर जो प्रॉफिट मिला है 34% का एंड 5 साल के अंदर जो प्रॉफिट मिला है 59% का एंड 3 साल के अंदर जो रिटर्न प्रोवाइड किया है 18% एंड 5 साल के अंदर जो रिटर्न प्रोवाइड किया है वो 22% का रिटर्न प्रोवाइड किया है। तो ये अच्छी कंपनी है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ये बैंक की कंपनी है तो बैंक के किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करोगे तो आपका प्रॉफिट ही होगा।